नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकली। तो दोस्तों, आज उन सारे यूट्यूबर के लिए हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कि वो जो यूट्यूबर कोई भी होता है, सबको चाहता है कि मेरे YouTube चैनल अच्छा दिखे, अच्छा अट्रैक्टिव लगे, अच्छा व्यू आए, अच्छा सब्सक्राइब, अच्छा वॉच टाइम आए। तो दोस्तों, हम सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन एक चीज़ हमारा रह जाता है कि यूट्यूब का बैकग्राउंड बैनर कैसे लगाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि यूट्यूब पे अपना एक अच्छा सा अट्रैक्टिव बैनर लगाइए और यूट्यूब एंड वॉच टाइम दोनों गेन कीजिए एक साथ ही। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए हमें एक काम करना होगा, हमें अपने मोबाइल स्क्रीन पर जाना होगा, वहाँ पर मैं आपको लाइव प्रोसेस दिखाऊंगा आपको कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, जिससे आप यूट्यूब पे अपना बैनर बना सकते हैं। दोस्तों, बैनर तो हम किसी भी ऐप से बना लेते हैं, लेकिन वो ऐड नहीं होता, मतलब सेट नहीं होता, क्योंकि यूट्यूब का एक बैनर साइज होता है, जिस कारण हमें वो पिक नहीं मिल पाता है। किस तरह से होता है ये सारे प्रोसेस बताऊंगा, क्योंकि ऐसे तो होने वाला नहीं किसी ऐप से। तो मैं जो आपको सॉफ्टवेयर बताने वाला हूँ, उसके लिए हमें मोबाइल पे चलना होगा। आपको दिखा देता हूँ आपको यूट्यूब बैनर किस साइज़ में मिलेगा और कैसे मिलेगा। आप पीसी या चाहे मोबाइल क्रोम किसी से भी ऐड करेंगे तो वो बिल्कुल ही ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके लिए हम चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। हम आ गए उस ऐप में जिसे हमें बैनर बना रहे, ऐप का नाम है पिक्सल लैब। आप जैसे ही प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो ये वाला ऐप आ जाएगा, पिक्सल लैब फर्स्ट वाले, उसे आपको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल कर लेने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा आपके सामने। तो यहाँ पर आपको ये न्यू टेक्स्ट को आपको यहाँ से डिलीट कर देना है क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पर आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको इमेज साइज़ पे क्लिक कर लेनी है। इमेज साइज़ के बाद यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं कस्टम लिखा हुआ है, कस्टम पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको यूट्यूब बैनर लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर ओके कर देना है। ये हमारा इस साइज़ का आ गया। तो सबसे पहले हम तो क्या करेंगे, अपने चैनल का एक नाम लिखेंगे। तो नाम लिखने के लिए हमें करना है, यहाँ पर टेक्स्ट पर वापस क्लिक करना है और इस पर क्लिक करके इसको हम यहाँ बीच में डाल देते हैं। इसको वापस हम यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर लिख देते हैं। मान लीजिए मेरे चैनल का नाम है टेक्निकल यू डाल दिया, ठीक है। और हम इसको थोड़ी सी बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा नाम आ गया, ठीक है। आप चाहे इसका बैकग्राउंड भी आप बदल के दिखा, बैकग्राउंड चेंज कर लिए सबसे पहले कोई बढ़िया सा। मैं इसमें बैकग्राउंड लगा देता हूँ एक। ये हम एक बैकग्राउंड ले लिए, ठीक है। ये हमारा, अब इसका नाम चाहे तो नाम हम थोड़ा पहले इसको एडिट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या, अगर आप चाहते इसमें कुछ लगाने के लिए, तो आपको स्केच पर अगर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। ये देखिए, मतलब इस पे अंदर में कलर लग जाएगा। अगर चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो बैकग्राउंड भी आप इसके बदल सकते हैं। तो बैकग्राउंड आप जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर देखो बैकग्राउंड पर क्लिक करके इसे इनेबल कर देना। इसमें आप जो भी कलर चाहे चूज़ कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि फिर इसका नाम का थोड़ा स्टाइल चेंज हुए, तो ए बी सी डी पे आपको क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारा आपको कैटेगरी मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं एक कैटेगरी चूज़ कर लेता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह का है, जो कि अच्छा नहीं दिख रहा। और फिर हम इसका थोड़ा स्टाइल चेंज करने के बाद आप उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह का, आप चाहे तो इसमें फ़ोटो भी थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं ताकि चैनल बढ़िया दिखे। तो मैं अपना फ़ोटो भी एक लगा देता हूँ इस पर। सबसे पहले मैं इरेजर में जाता हूँ, तो मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ चैनल के साइड में। इस तरह स्क्रॉप करके इसे छोटा कर लीजिए, तो ये हमारा चैनल के साथ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप और फ़ोटो ऐड कर लीजिए, आप कुछ बढ़िया बढ़िया से डाल दीजिए, जैसे कि यूट्यूब का हुआ इस तरह से। मैं यूट्यूब का भी डाल देता हूँ ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे। आप बढ़िया बढ़िया जो मर्ज़ी डाल सकते हैं, इंटरनेट ब्राउज़र इस तरह के डालिए और अट्रैक्टिव। मैं तो बताने के लिए वीडियो बना रहा था दोस्तों। ये कुछ इस तरह का मैंने यूट्यूब का लगा दिया, और चाहे तो आप और भी ऐड कर सकते हैं दोस्तों। ये बैनर का खासियत ये बन तो किसी भी, ये HD में होता है दोस्तों, ये इस बात का फ़ायदा है। और ये हम क्रोम पे चाहे ब्राउज़र पे चाहे ये ऐप में चाहे तो किसी भी तरह से, आप चाहे यूट्यूब ऐप से भी इसको सेव कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं आएगा कि आपका साइज़ छोटा है, ये HD में बनता है, इसीलिए आप कहीं से भी इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। आप और कुछ भी डाल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, और लाइक के बाद तो पता ही है क्या करना है, वीडियो को शेयर कर देना, ताकि हमारे दो आगे और किसी के जानकारी भी पहुँच जाए इस वीडियो को। आप इस तरह से कुछ आपका जो मन लगे, आप किसी का बैनर देख के कर सकते हैं।
मकसद यही था इस वीडियो बनाने का कि आपको पता चले आपको बैनर किस तरह से बनता है, किस ऐप से बनता है। ऐप का नाम मैं बता ही चुका हूँ, पिक्सल लैब है। प्ले स्टोर पर जाकर जैसे सर्च करेंगे पहले नंबर पर ही आ जाएगा दोस्तों। अब रही बात इसको बनाने के बाद सेव करना है, तो सेव के बाद आपको इस तरह का यहाँ पर क्लिक करना है, दो ऑप्शन मिलेगा, आपको नीचे वाले पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको सेव टू गैलरी इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप करेंगे तो ये फ़ोटो सेव हो चुका है, यहाँ के ऐड कट कर लेना है और यहाँ से हमें एक्सिट हो जाना है। ठीक है, इस तरह से आपका फ़ोटो सेव हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही।